जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है ताज़ा खबर वेब सीरीज़ के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम ताज़ा खबर वेब सीरीज़ मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा खबर वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में। तो चमत्कार कैसे होता है? चमत्कार विश्वास से होता है। वसंत गावड़े उर्फ वसिया की जिंदगी दिन भर दूसरों के संडास तुलने में बीत जाती है। वसिया एक मुत्री मैनेजर है, मतलब कि सुलभ शौचालय में मैनेजर है। जिंदगी में खिटपिट है। आई यानी अपने माँ से बहुत प्यार करता है। पिता शराब के नशे में रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक दिन अचानक वसिया की जिंदगी बदल जाती है। एक मैजिक होता है, उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले ही मिल जाती है, भविष्यवाणी टाइप। अब क्या वसिया के लिए यह वरदान साबित होता है या फिर उसके बड़ा अभिशाप? डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई ताज़ा खबर वेब सीरीज इसी की मज़ेदार कहानी है। ताज़ा खबर दक्षिण मुंबई के बाईफुला में रहने वाले वसिया के इर्द गिर्द घूमती है। वसिया की जिंदगी को दुआ लगती है। उसे जो जादुई शक्ति मिलती है उसके जरिए वह असल दुनिया में होने वाले ताज़ा खबर को होने से पहले जान लेता है। अब क्या वसिया उस जादुई ताकत के बूते अपने खास लोगों के साथ मिलकर जिंदगी बदल चाहता है? इन खास लोगों में उनकी गर्लफ्रेंड मधु, बेस्ट फ्रेंड पीटर, बेकरी का मालिक और पिता जैसे अहमियत रखने वाले महबूब भाई और महबूब भाई की बेटी साजिया है। सीरीज की कहानी में आगे मज़ेदार ट्विस्ट भी है और हिचकोले भी। भुवन बाम इससे पहले सोशल मीडिया पर कॉमेडी शो ढिंढोरा में नजर आए थे। ये पुरानी टीम एक बार फिर साथ आई है। डायरेक्टर हिमांग गोड और को राइटर हुसैन व अब्बास दलाल। सीरीज की शुरुआत तो अच्छी होती है, जल्द ही आपको यह अनुमान हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर कुछ समय के बाद आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर शो की कहानी जा किधर रही है। हालांकि एक साधारण आदमी से करोड़पति बनने की वसिया की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दूसरी बात की सीरीज में डायलॉग्स भी अच्छे हैं। बीच बीच में कॉमेडी के पंच है जो आपको हंसाते हैं। सीरीज़ में हर एपिसोड करीब 30 मिनट के हैं। कुल 6 एपिसोड हैं। भुवन बाम ने निश्चित रूप से अपनी एक्टिंग स्किल पर काम किया है। वह पर्दे पर अपने पहले से बेहतर और सहज लगे हैं। श्रिया पिलगांवकर फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने और भुवन की गर्लफ्रेंड मधु के किरदार में खूब जचती है। दोनों के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी प्यारी है। वेश्यालय की मालकिन आपा का किरदार निभाने वाली शिल्पा शुक्ला की भूमिका थोड़ी सीमित है। आपकी चाहत जगती है कि शिल्पा के किरदार को थोड़ा और विस्तार मिलना चाहिए था। हालांकि बावजूद इसके वह छाप छोड़ती है।